अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम है अस्मतुल्लाह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल दी ए आई ओ यू। उम्मीद है तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। आज के इस दिन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है डिग्री के हवाले से। डिग्री के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चलते रहते हैं, लेकिन आज की स्टूडियो के अंदर जो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, इन फ्यूचर हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, तो आपने वीडियो को लाजमी तौर पर मुकम्मल देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपको टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अक्सर तालिबे इल्म इस खुशफहमी में रहते हैं कि जब हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है तो डिग्री जो है वो खुद बखुद यूनिवर्सिटी हमें सेंड कर देती है। तो यूनिवर्सिटी खुद बखुद डिग्री सेंड नहीं करती, आपको डिग्री की फीस जमा करवानी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है, तभी आपको डिग्री मिलती है। उससे अगला पॉइंट यह होता है कि डिग्री अप्लाई ऑनलाइन तरीके से करें या मैनुअली तरीके से करें। तो मैं जितने भी अपने स्टूडेंट्स होते हैं सबको यही कहता हूँ कि आप ऑनलाइन अप्लाई ना करें, आप मैनुअल तरीके से अप्लाई करें। अभी मैनुअल तरीका क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट के जरिए पोस्ट ऑफिस यूनिवर्सिटी को भेज देने होते हैं, यूनिवर्सिटी आपको डिग्री भेज देती है। तीसरा पॉइंट ये है कि डिग्री कब तक मिल जाती है। डिग्री जो है वो 2 से लेकर 4 महीने के दरमियान मिलती है अगर आप अर्जेंट अप्लाई करते हैं, और अगर आप नॉर्मल अप्लाई करते हैं तो 2 साल के अंदर मिलती है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अक्सर जो तालिबे इल्म है जब वो डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको कुछ इस तरह सा ऑब्जेक्शन शो होता है जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी का सिस्टम चेंज हो चुका है, अब ये ऑब्जेक्शन इस वजह से शो होता है कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं उसके ऊपर जब आप अटेस्टेड करवाते हैं तो टीचर जो है जो जिनसे भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाते हैं वो सिर्फ साइन कर देते हैं। तो आपने साइन नहीं करवाने, एक स्टैम्प होती है जिसके अंदर टीचर का नेम लिखा होता है और जो भी मालूम उनकी होती है वो लिखी होती है, स्टैम्प से आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हैं और फिर साइन करवाना है, तो फिर इंशाल्लाह ये ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।